हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेहता पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो यूनिट नंबर फोर्थ चल रही थी। यूनिट नंबर कौन सी चल रही है अपने पास? फोर्थ। उसका लास्ट अपने पास जो टॉपिक था वो था अपने पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह। क्या था टॉपिक था अपने पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह, मतलब ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। क्या था अपने पास टॉपिक? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। और उसी के साथ अपने पास ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह या मेटा निर्देशकारी समूह और मेटा निर्देशकारी समूह, ये आज अपन को डिस्कस करना है। क्या करना है अपन को? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह और क्या और अपने पास है? मेटा निर्देशकारी समूह। ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह और अपने पास क्या है? मेटा निर्देशकारी समूह। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर अपन बात करें कि आपके पास लास्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था कि कब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और कब मेटा डायरेक्टिंग होता है, कि कब अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं और कब अपन मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, तो अपन ने जनरल सी बात बोली थी कि यदि बेंजीन रिंग पर, क्या बोला अपन ने, कि यदि बेंजीन रिंग पर आपके पास कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो बेंजीन रिंग पर क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, तो इसलिए बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से बेंजीन क्या हो जाती है? एक्टिवेटेड हो जाती है। अतः ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो समूह क्या कहलाते हैं अपने पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वे सभी समूह ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होते हैं। क्या बोला अपन ने? कि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वे सभी समूह क्या कहलाते हैं अपने पास? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होते हैं। तथा वे समूह जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वे समूह आपके पास क्या कहलाते हैं? मेटा निर्देशकारी समूह होते हैं। कि ऐसे समूह जो एक तो बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और एक ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे समूह क्या कहलाते हैं अपने पास? मेटा निर्देशकारी समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते भाई? मेटा निर्देशकारी समूह कहलाते हैं। राइट भाई, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है भाई। अपन ने ये भी कहा था कि आपके पास जितने भी प्लस आर इफेक्टिव है या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप है और उसके अलावा आपके पास प्लस आई इफेक्ट है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं अपने पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। जबकि आपके पास माइनस एम है या माइनस आर है, इसके अलावा आपके पास माइनस आई वाले इफेक्ट है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। ओनली हैलोजन को छोड़कर, ओनली किसको? हैलोजन को छोड़कर, क्योंकि हैलोजन कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन डायरेक्टिंग कौन सा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है भाई, क्योंकि हैलोजन भी लोन पे डोनेट करेगा और वो क्या हो जाता है अपने पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बताइए भाई, कोई दिक्कत? कि ऐसे दुर्बल निष्क्रियकारी समूह बोल सकते हैं, कि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को एक्टिव करते हैं तो वो हो जाते हैं अपने पास सक्रियकारी समूह, और ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को निष्क्रिय डीएक्टिव करते हैं, बहुत कम निष्क्रिय करते हैं, वीक डीएक्टिविटी ग्रुप कह सकते हैं अपन हैलोजन समूह को, लेकिन कहलाते क्या अपने पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। ये अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब अपने पास वो कौन कौन से समूह है, ये जेड अपने पास कौन कौन से हैं जो ऑर्थो पैरा व मेटा अपने पास शो करते हैं, तो इन जेड को अपन को देखना है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल आपको दे दूं और टेबल के आधार पर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि सबसे पहले मैं ऑर्थो पैरा वाला दिखा देता हूं कि आपके पास ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिख दें? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। ठीक है भाई। अब ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह में सबसे पहले कि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। प्रबल सक्रियकारी समूह, प्रबल सक्रियकारी, प्रबल सक्रियकारी समूह।
कैसे समूह जो बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, प्रबल सक्रियकारी समूह कहते हैं। कैसे समूह जो बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव करते हैं, उन समूह को अपन क्या करते हैं, प्रबल सक्रियकारी समूह कहते हैं। जो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और वो प्रबल सक्रियकारी समूह अपने पास होता है OH, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप। दूसरा अपने पास होता है NH2, एक आपके पास होता है NHR। ये सबके सब क्या है, प्रबल सक्रियकारी समूह है, कि यदि ये बेंजीन रिंग पर अटैच है तो आपके पास क्या होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा अपने पास, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ये अपने क्या लिख सकते हैं, NR2। ये सबके सब क्या कहलाते हैं अपने पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो इन समूहों को क्या कहते हैं अपन, प्रबल सक्रियकारी समूह। इनको क्या बोलते हैं अपन, प्रबल सक्रियकारी समूह भी बोला जाता है। और प्रबल सक्रियकारी समूह क्या कहलाते हैं अपने पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अपने पास कुछ मध्यम सक्रियकारी समूह, कि आपके पास इतनी ज्यादा बेंजीन रिंग को एक्टिव नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, मध्यम सक्रियकारी समूह। ठीक है भाई, मध्यम सक्रियकारी समूह। ये तो हो गया प्रबल, मध्यम सक्रियकारी, मध्यम सक्रियकारी समूह, कि ऐसे समूह जो आपके पास बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, कम सक्रिय करते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, मध्यम सक्रियकारी समूह। वो भी क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी भाई, ये जितने भी है ना वो सब क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। लेकिन बेंजीन रिंग की एक्टिविटी डिपेंड किस पर करती है, इलेक्ट्रॉनों देने की टेंडेंसी पर, कि कितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, मध्यम सक्रियकारी समूह। अब कौन कौन से हैं मध्यम सक्रियकारी समूह, तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास मध्यम सक्रियकारी समूह में OR, ये क्या करता है अपने पास, मध्यम सक्रियकारी समूह की तरह क्या करता है, वर्किंग करता है। OR हो गया आपके पास, आपके पास NH, NHC डबल बॉन्डेड OR हो गया, ये भी आपके पास किसकी तरह वर्किंग करेगा, मध्यम सक्रियकारी समूह की तरह वर्किंग करेगा। आपके पास OR हो गया मध्यम सक्रियकारी समूह, NHCOR हो गया आपके पास मध्यम सक्रियकारी समूह, OCH3 हो गया आपके पास, ये भी क्या अपने पास, मध्यम सक्रियकारी समूह की तरह वर्किंग करते हैं। ये सबके सब क्या कहलाते हैं अपने पास, मध्यम सक्रियकारी समूह। और इनको क्या कहते हैं अपन, ये यदि बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कि आपके पास रिंग पर आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैक करता है। ठीक है भाई, चले उसके बाद में आपके पास प्रबल हो गया, मध्यम हो गया, और एक होता है दुर्बल सक्रियकारी समूह, कि दुर्बल सक्रियकारी समूह वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, लेकिन दुर्बल सक्रियकारी समूह, दुर्बल सक्रियकारी समूह, वीक एक्टिविटी ग्रुप है समूह, दुर्बल सक्रियकारी समूह। हाँ भाई, दुर्बल सक्रियकारी समूह कौन से होते हैं, कि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, बहुत कम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, लेकिन आपके पास होते क्या हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं अपने, दुर्बल सक्रियकारी समूह कहते हैं। और वो आपके पास दुर्बल सक्रियकारी समूह कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी आपके पास एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सब के सब क्या हैं, दुर्बल सक्रियकारी समूह कहलाते हैं। मतलब है, प्लस आई इफेक्ट आपके पास होता है, ये सभी प्लस आई इफेक्ट वाले समूह होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिव तो करते हैं लेकिन दुर्बल करते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग कौन से होंगे, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं अपने पास है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपने पास है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपने पास है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कि मतलब आने वाला ग्रुप कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैक करता है। ठीक है भाई, तो एल्किल ग्रुप हो गया। मैंने, यदि आपको याद हो तो मैंने जब लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि यदि आपके पास बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जहां पर क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर हो, राइट, और एल्किल ग्रुप हो, क्या कहलाता है अपने पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाता है। ठीक है भाई, हमेशा याद रखना ये बात, कि यदि बेंजीन रिंग पर कोई लोन पेयर स्पीसी जुड़ी हुई है, या बेंजीन रिंग पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा क्या कहलाती है आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। ठीक है भाई, तो आपके पास जब नेक्स्ट अपन बात करें, तो अपने पास एक हो गया प्रबल दुर्बल सक्रियकारी समूह, तो कुछ अपने पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में होते हैं, कि
यदि मैं सभी एल्किल ग्रुप की बात करूं, जितने भी एल्किल ग्रुप है वो क्या कहलाते हैं, अपने पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन रिंग बेंजीन रिंग को इतने एक्टिव नहीं कर पाते हैं, बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, कम एक्टिव करते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल सक्रियकारी समूह के नाम से भी जाना जाता है। अपने पास कुछ समूह ऐसे हैं जो दुर्बल निष्क्रियकारी समूह होते हैं, बेंजीन रिंग को इतना एक्टिव नहीं करते हैं, दुर्बल निष्क्रियकारी समूह। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या अपने पास है, दुर्बल निष्क्रियकारी समूह, दुर्बल निष्क्रियकारी निष्क्रियकारी समूह। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास कि अपन ये कहते हैं कि हैलोजन ग्रुप क्या होता है, अपने पास माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और आप माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो आप क्या कहोगे कि ऐसे समूह आपके पास क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होनी चाहिए। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूँ, किनकी, हैलोजन समूह की बात करता हूँ, तो हैलोजन समूह लाइक अपने पास Cl, Br, I, यदि ऐसे समूह आपके पास प्रेजेंट है, हैलोजन समूह आपके पास प्रेजेंट है, तो है समस्त हैलोजन समूह, जितने भी आपके पास हैलोजन समूह प्रेजेंट है, समस्त हैलोजन समूह, समस्त हैलोजन समूह क्या कहलाते हैं अपने पास, समस्त हैलोजन समूह क्या कहलाते हैं अपने पास, समस्त हैलोजन समूह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, दुर्बल निष्क्रियकारी समूह कहलाते हैं। मतलब बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिव करते हैं, लेकिन क्या कहलाते हैं अपने पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन याद रहे, आपको याद रखना है, याद रहे, CCl3 व CF3 मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या कहलाते हैं अपने पास, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि आपके पास जुड़ने वाले ग्रुप में कितने हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं, तीन तीन हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं, जिनका कौन सा इफेक्ट लगा होता है, इनका माइनस आई इफेक्ट ये शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इसकी वजह से आपके पास ये क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है भाई, तो याद रहेगा ये बात कि CCl3 और CF3 की बात आती है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और यदि ऐसे यदि सिंपल हैलोजन समूह जुड़े हैं तो समस्त हैलोजन समूह क्या कहलाते हैं अपने पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, तो बेंजीन रिंग को ये क्या करते हैं, डीएक्टिव करते हैं। बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, तो बेंजीन रिंग को ये सबके सब क्या कर देते हैं, डीएक्टिव कर देते हैं। कंप्लीट, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में क्या हो गया, प्रबल सक्रियकारी समूह, मध्यम सक्रियकारी समूह, ठीक है भाई, उसके बाद में दुर्बल सक्रियकारी समूह और दुर्बल निष्क्रियकारी समूह आपके पास क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग के एग्जांपल देख लेते हैं कि मेटा निर्देशकारी समूह कौन कौन से होते हैं, मेटा निर्देशकारी समूह, मेटा निर्देशकारी समूह। हाँ भाई, मेटा निर्देशकारी समूह क्या है, कि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर किसका डीलोकलाइजेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है। इसी कारण जब ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हो, और ऐसे समूह क्या कहलाते हैं अपने पास, मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं, क्योंकि जब इनकी अनुनादी संरचनाएं देखी जाती है तो अनुनादी संरचनाओं के आधार पर यह देखा गया है कि ऑर्थो व पैरा पोजिशन पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही का अपन योग करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपने पास किस पोजीशन पर अटैक करता है, मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। इसलिए ये सभी समूह अपने पास क्या कहलाते हैं, मेटा निर्देशकारी समूह कहलाते हैं। और ये बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, विसक्रियकारी मतलब निष्क्रिय करते हैं, मतलब डीएक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को प्रबल निष्क्रिय करते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को प्रबल विसक्रियकारी समूह, विसक्रियकारी समूह कि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, विसक्रियकारी होते हैं, डीएक्टिवेटेड होते हैं, ऐसे समूह क्या कहलाते हैं अपने पास, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे अपने पास क्या होता है, अपने पास NO2 होता है,
कोमा सी सी एल थ्री होता है, कोमा सी एफ थ्री होता है, ये सब क्या कहलाते हैं अपने पास, मेटा डायरेक्टिंग होता है, सी एफ थ्री होता है, कोमा एन आर थ्री प्लस होता है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं अपने पास है, मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं, ये सब के सब क्या है अपने पास है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं अपने पास, मेटा, ये सब के सब क्या कहलाते हैं अपने पास है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, सबके सब क्या कहलाते हैं अपने पास, ये सबके सब क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है भाई। तो ये कौन से समूह है अपने पास, कि ऐसे समूह जो अपने पास प्रबल विसक्रियकारी समूह होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, जैसे एन ओ टू हो गया, सी सी एल थ्री हो गया, सी एफ थ्री हो गया, एन आर थ्री प्लस हो गया, ये सब के सब अपने पास क्या कहलाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। अब ऐसे अपने पास मध्यम सक्रियकारी समूह होंगे, अब मध्यम सक्रियकारी समूह कौन से होते हैं, मध्यम विसक्रियकारी समूह, ठीक है भाई, आपके पास मध्यम विसक्रियकारी समूह, मध्यम मध्यम विसक्रियकारी समूह, हाँ भाई, मध्यम विसक्रियकारी समूह की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे समूह जो क्या करते हैं, बहुत कम मतलब इतना बेंजीन रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, डीएक्टिव नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मध्यम विसक्रियकारी समूह आर सी डबल बॉन्डेड ओ एच, राइट, ये भी अपने पास क्या होते हैं, मध्यम विसक्रियकारी समूह होते हैं, एसओ थ्री एच, एसओ थ्री एच कोमा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है भाई, सी ओ ओ आर, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मध्यम विसक्रियकारी समूह कहलाते हैं, और कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ये भी अपने पास मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से डायरेक्टिंग होते हैं अपने पास, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। याद रखना, आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कहा जाता है कि सक्रियकारी समूह व विसक्रियकारी समूह किसे कहते हैं, तो सक्रियकारी समूह किसे कहते हैं कि जो बेंजीन रिंग को एक्टिव करें और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और विसक्रियकारी समूह जो बेंजीन रिंग को क्या करें, डीएक्टिव होते हैं। अब देखो, जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिए आप लोगों को मेटा डायरेक्टिंग के लिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मेटा डायरेक्टिंग आपके लिए कि ऐसी स्पीसीज जो बेंजीन रिंग पर क्या होती है, डबल बॉन्डेड स्पीसीज प्रेजेंट होती है, वो हमेशा क्या शो करती है, मेटा डायरेक्टिंग शो करती है। बेंजीन रिंग पर यदि कोई डबल बॉन्डेड स्पीसीज प्रेजेंट होती है तो हमेशा क्या शो करती है, वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग को शो करती है भाई, बताइए यहाँ तक। तो ऐसे करके आपके पास ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है, अपने पास कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में अपन इसका क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे कि ऑर्थो पैरा अनुपात क्या होता है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट अपन यदि इसके टॉपिक की बात करें तो अपने पास होता है ऑर्थो पैरा रेशियो, ऑर्थो पैरा अनुपात। यदि स्टूडेंट्स यदि ऑर्थो पैरा अनुपात की बात करें तो अपन जानते हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होगा ऑर्थो पैरा रेशियो, हाँ भाई, आप अच्छे से जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग क्या होती है अपने पास, बेंजीन रिंग पर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उस प्रतिस्थापी समूह के आधार पर बेंजीन रिंग पर तीन समावयवी पाए जाते हैं, एक आपके पास ऑर्थो होते हैं, ठीक है भाई, एक आपके पास मेटा होता है और एक आपके पास क्या होता है, पैरा होता है, ठीक है भाई। तो तीन अपने पास समावयवी उत्पाद पाए जाते हैं। यदि अपन तीनों को देखें तो आपके पास एक पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है, दो मेटा होती है, एक आपके पास क्या होती है, पैरा। तो ऑर्थो पैरा अनुपात का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग ऑर्थो पैरा और मेटा शो करती है, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड रिंग प्रतिस्थापी समूह के आधार पर बेंजीन रिंग ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन शो करती है। इस आधार पर जब देखा जाता है तो आपके पास ऑर्थो पैरा अनुपात 2:1 में मिलने चाहिए, कि दो ऑर्थो है तो आपके पास 2:1 में मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास जब मैं उत्पाद बना रहा हूं तो उत्पाद में अपने पास क्या रेशियो होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास दो ऑर्थो है और एक क्या अपने पास पैरा पोजीशन है। अतः इस आधार पर जो ओपी रेशियो है, ऑर्थो पैरा रेशियो है, वो कितना होना चाहिए, इस आधार पर जो ओपी रेशियो है, इस आधार पर जो ऑर्थो पैरा रेशियो आपके पास है,
वो कितना होना चाहिए आपके पास, ऑर्थो पैरा रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनके असामान्य व्यवहार को निम्नलिखित कारक, जो भी इनके असामान्य व्यवहार होते हैं उनको ये निम्न कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कि आपके पास 2:1 होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, तो कुछ कारक है जो इनके इस असामान्य व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, तो बेंजीन वलय पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह का आकार अर्थात त्रिविम्ब बाधा, सबसे पहला प्रभावित करने वाले कारक। हाँ भाई, यदि मैं प्रभावित करने वाले कारकों की आपके सामने बात करूं तो बेंजीन रिंग पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूहों का आकार, सबसे पहला जो प्रभावित करता है बेंजीन पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह का आकार अर्थात त्रिविम बाधा। क्या कह रहे हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करें कि आपके पास ऑर्थो पैरा रेशियो को कौन प्रभावित करता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा रेशियो को कौन प्रभावित करता है, कि बेंजीन पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह भी ऑर्थो पैरा रेशियो को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, तो बेंजीन पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह के आधार पर अपन ऑर्थो पैरा रेशियो को प्रभावित करते हैं। यदि अपन देखें कि जब बेंजीन टोलुइन की अभिक्रिया जब मैं बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराता हूं, मैं कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो मेरे पास ऑर्थो पैरा, क्योंकि कौन सा NO2+ बनता है और ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है भाई बताओ, ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, प्लस सा इफेक्ट लग रहा है, इसलिए कौन सा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अपन ने सीखा भी, यदि इस आधार पर अपन देखें तो आपके पास 2 उत्पाद बनेंगे, एक अपने पास होगा CH3NO2 और एक आपके पास उत्पाद बन रहा है CH3NO2, राइट, 2 उत्पाद बन रहे हैं। जब इन दोनों उत्पादों का परसेंटेज ऑफ यील्ड देखी जाती है तो इसका अपने पास कितना बन रहा है, 60% बन रहा है, तो ये कितना बना अपने पास है, 40% बन रहा है। जो आपके पास ऑर्थो रेशियो है वो कितना बन रहा है अपने पास, 60% बन रहा है, जबकि आपके पास पैरा रेशियो है अपने पास वो कितना बन रहा है, 40% बन रहा है, क्योंकि मैथिलीन समूह का छोटा आकार है, इसलिए जो NO2 है वो आसानी से ऑर्थो पोजिशन पर अटैक कर जाता है। किसके आकार की वजह से, आपके पास प्रतिस्थापी समूह जो CH3 है, प्रतिस्थापी समूह CH3 समूह का छोटा आकार, CH3 समूह का छोटा आकार है, इसलिए यहाँ पर ऑर्थो समावयविक प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा बनता है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोटोलुविन ज़्यादा बनता है और पैरा नाइट्रोटोलुविन क्या बनता है अपने पास, कम बनता है। ठीक है भाई, किसकी वजह से, त्रिविम बाधा। क्या बोला अपने, बेंजीन पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह का आकार अर्थात त्रिविम बाधा, कि यदि त्रिविम बाधा अधिक होगी, इजिली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन इसने आ रहा है वो आसानी से अटैक नहीं करेगा, लेकिन यदि त्रिविम बाधा कम होगी तो वह आसानी से यहां पर अटैक करके उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। हम जानते हैं कि टोलुविन जो CH3 ग्रुप है उसकी कम त्रिविम बाधा लगती है और इसी कारण जो NO2+ है वो आसानी से अटैक करके आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर एंड मैटर पैरा प्रोडक्ट इज लेस बनता है। अब देखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपको पता हो तो ही आप ये 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, यदि आपको पता ही नहीं है तो आप क्या 2 प्रोडक्ट बनाओगे, और ये कैसे पता चलेगा कि सर ने बोल रखा है भाई, जब प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है
जब भी प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और यदि आपके पास कोई लोन पेरिक स्पीसीज लगी हुई है तो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन यदि कोई ऐसी स्पीसीज लगी हुई है कि जो बेंजीन रिंग से डबल बॉन्डेड स्पीसीज, जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, वो क्या होती है अपने पास है? मेटा डायरेक्टिंग होती है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं कि सर त्रिविम बाधा वाला देख लेते हैं। तो यदि अपन रिएक्शन नेक्स्ट देखें इसकी, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अपन त्रिविम बाधा युक्त करें अपन, तो ये देखिए कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है भाई, इसके इसका भी क्या करवाएं अपन? नाइट्रीकरण करवाएं। इसका भी क्या करवाएं अपन? नाइट्रीकरण। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। क्या बनाएंगे दोनों मिलकर? सर NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनाता है। हाँ भाई, NO2 प्लस अटैक करेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। एक प्रोडक्ट आपके पास, क्योंकि अपन क्या जानते हैं कि एल्किल ग्रुप है भाई, एल्किल ग्रुप ही है ना, और एल्किल ग्रुप क्या शो करेगा अपने पास? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है भाई, एल्किल ग्रुप क्या इफेक्ट शो कर रहा है? ओनली प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को एक लेक्चर में। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो ये बनना है। अब देखो, ये इतना बड़ा ग्रुप लगा, आप सोचो जरा यार, इतना बड़ा ग्रुप आपके पास लगा हुआ है तो क्या इजीली अटैक करा पाएगा? अरे भाई, आने ही नहीं देगा वो तो पोजीशन पर, फिर भी आप जबरदस्ती घुसा दोगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और एक आपके पास ओपनली स्ट्रक्चर है कि जिसमें आपके पास पैरा पोजीशन पर आसानी से क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा। तो इस स्टेरिक इंड्रेंस से, इस त्रिविम बाधा की वजह से आपके पास पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो प्रोडक्ट। ये याद रखना, इस त्रिविम बाधा की वजह से जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास 20% ही बनता है, जबकि आपके पास जो मेटा प्रोडक्ट होता है वो आपके पास क्या बनता है? 80% बनता है। जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास कितना परसेंट बनता है? टर्टेक ब्यूटी नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रो टर्टेक ब्यूटिल बेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन, और इसका क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो ऑर्थो पैरा नाइट्रो टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। ठीक है भाई, ये किसका नाम होगा? इसका होगा। ये कितना बन रहा है? 80%, और ये कितना बन रहा है अपने पास? 20% बन रहा है। किसकी वजह से? त्रिविम बाधा। किसकी वजह से? त्रिविम बाधा। टर्सरी ब्यूटिल की क्या लग रही है? त्रिविम बाधा लग रही है। इसकी वजह से ऑर्थो पैरा रेशियो 2:1 होना चाहिए, लेकिन ऑर्थो पैरा रेशियो 2:1 नहीं होता है, और यहाँ पे अपने पास क्या होता है? अपने पास ऑर्थो अपने पास लेस स्टेबल बनता है, और पैरा क्या बनता है अपने पास? मोर स्टेबल बनता है। रीजन क्या लोगोगे? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या रीजन दोगे इसका? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है भाई, तो फर्स्ट अपने पास ऑर्थो पैरा रेशियो को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने बता दिए। ठीक है भाई, उसके अलावा आपके पास जुड़ने वाले समूह के आकार पर, कि कुछ आपके पास कुछ समावयवी भी ऐसे होते हैं कि आपके पास एक तो छोटे आकार के हैं कि आसानी से अटैक कर जाएं, तो जुड़ने वाले समूह भी आपके पास ऑर्थो पैरा को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक आपके पास ऐसे समूह है जो खुद की स्टेरिक इंड्रेंस बहुत ज्यादा है, वो आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं, अतः जुड़ने वाले समूह भी अपने पास ऑर्थो पैरा को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऐसे करके आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में? तो आप क्या कहोगे कि ऑर्थो पैरा अनुपात 2:1 होना चाहिए, लेकिन कुछ असामान्य व्यवहारों के कारण ऑर्थो पैरा अनुपात क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे अपने पास आने वाले प्रतिस्थापी समूह का आकार, आपके पास बेंजीन पर उपस्थित है प्रतिस्थापी समूह का आकार, ये सभी क्या करते हैं? ऑर्थो पैरा समूह को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में अपन यदि डिस्कस करें तो ऐसे करके आपके पास ऑर्थो पैरा अपने पास क्या होता है? कंप्लीट होता है। अपन उसके बाद में अपन बेंजीन की कुछ अभिक्रियाएं होती है, जिसे अपन बोलते हैं बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रियाएं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यहां पर है बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रियाएं। बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया, बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया,
ठीक है भाई, अपन क्या दे रहे हैं, बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया। अब बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है भाई, तो मैं कहूंगा कि पार्श्व श्रृंखला क्या होती है कि बेंजीन रिंग पर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, यह होती है बेंजीन, और बेंजीन की ये जो श्रृंखलाएं होती है, ये जो श्रृंखलाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं अपन, पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया।